Prerna Manwar, class 12 student, comes from a city well known for its UNESCO heritage caves. She studies in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kannad, Aurangabad, and joins us with her question. Could we have the question, please? Good morning, sir. My name is Prerna Manwar. I am a student of class 12 science from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kannad, Aurangabad, Maharashtra. Sir, my question to you is, my parents always say that I should wake up early in the morning for studying, but I am a night owl. I can't wake up early in the morning. Sir, what should I do? Thank you, sir. धन्यवाद प्रेरणा. इससे मिलता जुलता एक सवाल और भी है. माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के 12वीं के छात्र स्टैनजिन नोरबो इस सभागार में उपस्थित हैं तथा मान्यवर से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं. स्टैनजिन, अपना प्रश्न पूछिए. गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज स्टैनजिन नोरबो. आई एम स्टडिंग इन 12th क्लास एंड माय स्कूल नेम इज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल किरुभुजन एंड आई एम फ्रॉम लेह लद्दाख. सर, माय क्वेश्चन इज, इन योर ओपिनियन, what is the best time to study? Is it early morning or the late night? Can you suggest us? धन्यवाद स्टैनजिन. ऐसा ही एक और प्रश्न. अगले प्रश्न हेतु मैं जवाहर नवोदय विद्यालय त्रिपुरा के छात्र शुभाशीष चाकमा को बुला रही हूँ. शुभाशीष, कृपया अपना प्रश्न पूछें. Honorable Prime Minister sir, good afternoon. This is Subhashish Chakma of class 11 studying at Jawahar Navodaya Vidyalaya under Shillong region. Sir, actually my elder sister used to scold me always because I often go for late night study and cannot wake up early in the morning. Sir, my question is, am I doing something wrong? Please tell me sir, what do you say? Thank you. धन्यवाद शुभाशीष. मान्यवर, प्रेरणा, स्टैनजिन व शुभाशीष, पढ़ने का सर्वोत्तम समय कौन सा है, आपसे जानना चाहते हैं. इतना निर्दोष सवाल मुझे पूछा गया है. इस सवाल से मेरे मन में एक और विचार आया. विचार यह आया, इस सवाल का मतलब है कि परीक्षा पे चर्चा ये कार्यक्रम सफल है. और इससे ये भी पता चलता है कि हमारे शिक्षकों के लिए, शिक्षा जगत के लोगों के लिए, कि हमारी युवा पीढ़ी को नज़दीक में ऐसे सवालों के जवाब के लिए कुछ कमी महसूस हो रही है, कोई वैक्यूम महसूस हो रहा है. मैं चाहूँगा सभी अभिभावकों से, सभी टीचर से, कि आपके छात्रों के बीच आपका ऐसा नाता रहना चाहिए कि ऐसी छोटी छोटी समस्याएं भी वो आपको खुल करके कहें. जितना ज़्यादा उनके अंदर खुलापन आएगा उतना उनके स्वस्थ विकास में बहुत काम आएगा. तो मैं इन सारे नौजवान साथियों का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा बड़ा सवाल, महत्वपूर्ण, फिर भी कुछ लोग उनको कहे यार तुझे मौका मिला तो यही सवाल पूछ लिया क्या. लेकिन मैं इसको बड़ा महत्व देता हूं और मुझे संतोष है कि इन बच्चों ने मुझको अपना माना और जो बात अपनी माँ से, अपने पिता से पूछ सकते हैं, बड़ी बहन से पूछ सकते हैं, वो आज उन्होंने मुझे पूछी. इस अपनेपन का आनंद कुछ और ही होता है जो मैं आज अनुभव कर रहा हूँ. अब इसका जवाब देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है. इसलिए मुश्किल है कि रात को जागना कि सुबह जागना, ये इशू है. अब मैं 50% तो अधिकारी हूँ बोलने के लिए, लेकिन 50% नहीं हूँ. 50% इसलिए अधिकारी हूँ क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ, इसलिए मुझे बोलने का हक बनता है. लेकिन 50% इसलिए नहीं हूँ कि अब मेरी ड्यूटी ऐसी बन गई है कि रात को जल्दी सो नहीं पाता हूँ. और इसलिए जो आदर्श व्यवस्था है उसका आधा तो परिपालन में करता हूँ, लेकिन आधा मैं नहीं करता हूँ.
और जब मैं खुद नहीं करता हूं तो मैं कोई मॉरल अथॉरिटी के रूप में आपको नहीं बता सकता हूं। लेकिन आप भी जानते हैं कि दिन भर का काम, थकावट, अलग अलग मन के अंदर कुछ घटनाएं, पूरा दिन बीतता है, ये चीज़ें धीरे धीरे जुड़ जाती हैं और होते होते आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका माइंड, आपकी मनस्थिति कितनी एंगेज होगी शाम के समय। और रात को अगर आप पढ़ने के आग्रही हैं तो सोचिए क्या सचमुच में आपका बिल्कुल मन एकदम खाली होगा क्या? नहीं होगा। प्री ऑक्यूपाइड बहुत सी चीज़ें होगी, बहुत सी चीज़ें भरी पड़ी होगी और दिन भर की घटनाएं होगी तो उसका एक्शन रिएक्शन भी मन में चलता होगा। और इसलिए संभव है कि रात को आप उतना फोकस न कर पाते हो, संभव है, सबके लिए सत्य नहीं हो सकता है। लेकिन ये सत्य है कि गहरी नींद के बाद, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 3 बजे उठ करके पढ़ो वरना फिर आप माँ को उठाओगे, माँ 3 बजे उठना है, चाय पिला दो लेकिन एक रीजनेबली सुबह सूर्योदय के पहले अगर तैयार हो करके पढ़ना शुरू करते हैं तो पूरी तरह आप बिल्कुल मन से एकदम तंदुरुस्त होते हैं। जैसे बारिश के बाद आसमान कैसा साफ नजर आता है, वैसा मन भी होता है। अब आप सोचिए उस समय जो आप पढ़ेंगे वो ज़्यादा रजिस्टर होगा कि नहीं होगा। और इसलिए हमारे यहाँ अनुभव से ऐसा माना गया और दुनिया में भी शायद माना गया है, मेरे पास कोई साइंटिफिक एनालिसिस तो नहीं है, लेकिन जो माना गया है और जिसमें मेरा भी विश्वास है कि सुबह बहुत ही उत्तम कालखंड होता है, फ्रेश होते हैं, थकान नहीं होती हैं और अध्ययन से ही शुरू करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादातर विद्यार्थियों का प्रॉब्लम ये है। जरूरी नहीं है कि आपको रात को पढ़ना है या सुबह पढ़ना है, हर एक की अपनी विशेषता होती है, अपनी आदतें होती हैं और आप जिसमें कंफर्ट हो वही करो। सिद्धांत है कि सुबह ठीक रहता है लेकिन फिर भी अगर वो आप कंफर्ट नहीं है तो फिर काहे परेशान हो भाई, रात को पढ़ लो, वरना फिर क्या होगा, रिजल्ट जब आएगा तब आप दीदी को बताओगे कि तेरे कारण रिजल्ट अच्छा नहीं आया, क्यों तुम मुझे रात में पढ़ने नहीं देती थी, सुबह पढ़ने के लिए कह रही थी तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात है, ज़्यादातर विद्यार्थियों के जीवन में क्या होता है, हो सकता है आप लोगों के जीवन में न होता हो लेकिन मैं जब पढ़ता था तब हम सभी साथियों के अंदर होता था, आपका होता है तो नहीं होता है तो मैं कोई जजमेंट नहीं ले सकता। वो क्या, जब स्कूल शुरू होती थी, रिजल्ट जब आता था तो मन में तय करते थे कि अगली बार स्कूल शुरू होते ही पढ़ाई शुरू करनी है। उसके बाद बस अगले महीने शुरू करूंगा, बस आप फर्स्ट ग्रेड हो जाने के बाद करूंगा। दूसरा क्या करते हैं, नहीं आज तो रात को ही पढ़ना है, मम्मी खाना बहुत हैवी मत बनाना, नींद आ जाए ऐसा खाना मत बनाना, बस पास्ता वगैरह चल जाएगा माँ को भी लगता है चलो इसको पढ़ना है रात को तो जो चाहता है, पिज्जा चाहिए तो पिज्जा, पास्ता चाहिए तो पास्ता, पानी पूरी चाहिए तो पानी, गोलगप्पे चाहिए, जो देख बच्चे को पढ़ाना है ना माँ बना देती है। फिर मन करता है माँ आज मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा करो माँ सुबह 6 बजे उठा दे रहा, तो फिर हम सुबह माँ बेचारी 5 बजे उठ करके तैयारी करती है कि संतान अपनी सुबह उठ करके पढ़ना चाहती है तो उसको क्या चाहिए, चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, दूध चाहिए, सब तैयारी करती है। और फिर हम 6 बजे ना, माँ रात को नींद नहीं आई थी तो फिर अब तो आज नहीं, आज रात को पढ़ूंगा,
यही होता है ना, कभी माँ को रात को जगा देना, कभी माँ को सुबह जगा देना, और कभी परिवार को ही, और हम अपना टाइम टेबल बदलते जाना। देखिए, मैं समझता हूँ ये अपने साथ अन्याय होता है। मुसीबत रात को पड़े या सुबह पड़े, उससे ज़्यादा मुसीबत ये है कि हम पढ़ने के बहानों के बजाय न पढ़ने के बहाने खोजते रहते हैं, और वो बोझ पूरा परिवार पर डाल देते हैं। अगर हम उन चीज़ों को अपने पर लेंगे और उसमें से आदत बदलेंगे तो जरूर लाभ होगा। मेरा स्वयं का अनुभव है, आपने कभी सूर्योदय के समय पंखियों की आवाज़, बर्ड्स की आवाज़, और सूर्यास्त के समय बर्ड्स की आवाज़ गौर से सुना है किसी ने? कितने सुना है? गौर से, दोनों में अंतर होता है। सूर्योदय के समय बर्ड्स की आवाज़ अलग होती है, उसका सुर भी अलग होता है, स्वर भी अलग होता है, और सूर्यास्त के समय भी आवाज़ करते हैं। आपने देखा होगा, 3-4-5 मिनट एकदम से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। दोनों में फर्क होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति का कोई न कोई प्रभाव तो होता ही है। अगर हम इस प्रकृति के साथ तालमेल बना करके जीवन को जिएंगे तो प्रकृति के साथ संघर्ष टालना चाहिए। प्रकृति स्वयं आपको मदद करेगी, आपको आगे ले जाने में मदद करेगी, और इसलिए समय की पसंद, परिस्थिति की पसंद में जहाँ पर एनवायरनमेंट का सवाल है, प्रकृति का सवाल है, हमने प्रकृति के अनुकूल समय खोजना चाहिए। थैंक यू।